गाइस रात की 10 बज रहे और हम निकल गए हैं गोवा के लिए बाय रोड बस से, मैं और ज़ारा। सो आगे आगे आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर। सो चलो अब हम सोते हैं, लेट नाइट हुआ, सुबह उठ के मिलते हैं आप सबसे। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, जैसे कि आप सब देख रहे हो बहुत ज़्यादा फॉग है, कुछ दिख रहा नहीं है, और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये है गगन भावड़ा घाट गोवा, और अभी बस जो है घाट पे चढ़ रहा है, मॉर्निंग हो चुका है, और आगे जाके हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट और आप सबको भी दिखाएंगे। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अमेजिंग व्यू को देख के आप सब भी इंजॉय कीजिए। सो यहाँ पे बस रुकाया है अभी, यहाँ करेंगे नाश्ता सुबह का यहाँ पे, और ज़ारा भी उठी है। ज़ारा ज़ारा अच्छा लग रहा है आपको? सो गाइस जो घाट था बहुत ज़्यादा डेंजर था, बहुत डर लग रही थी मेरे को, ज़ारा फिर भी सो रही थी। सो यहाँ पे मेरा नाश्ता आ चुका है, और ज़ारा के लिए हमने मंगाए हैं मस्का पाव चाय के साथ। सो ढाबे वाले से पूछिए जो जगह, इसका नाम है कोकन। ये हमारा बस है, हम जाने वाले, और ये बस अभी आया नाश्ते के लिए। ज़ारा क्या खाया आपने? तो यहाँ पे ज़ारा का फोटोग्राफी हो रहा है। चलो मम्मा, मुंह में इतना क्यों भर के रखे हो? ओए सबकी मम्मी, हम फाइनली पहुंच गए हैं गोवा। आगे हमारा स्टॉप है, हम उतर के फिर जाएंगे लंच करने, फिर उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। सो यहाँ लंच के लिए हमने चिकन चिल्ली और रोटी ऑर्डर किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा डिलिशियस हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अब अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से। सो आज का जो मेरा ब्लॉग है बहुत अमेजिंग होने वाला है, और उसके लिए आप सबको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरा जो ब्लॉग है, आज मैं आप सबके लिए गोवा एक्सप्लोर करूँगी ये ब्लॉग में, और हम मतलब गोवा आई मैं, और रास्ते का जो वीडियो है नहीं ले पाई, क्योंकि कल रात को 9:45 को मेरा बस था, और मुझे अचानक एक घंटा पहले टिकट करना, मतलब टिकट कर ली, फिर उसके बाद वहाँ से निकली और प्रिपेयर भी नहीं थी, और फिर बारिश बहुत हो रहा है, जैसे कि आप सबको मालूम है बारिश का सीज़न चल रहा है, और बारिश में तो रास्ते में कुछ दिखता भी नहीं है और अंधेरा भी रहता है, तो इसीलिए ब्लॉग बनाने का सवाल ही नहीं होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत, जब मॉर्निंग में हम लोग कुछ पहुँचे थे हाईवे में, या रास्ते में रुकाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, तो लंच का तो नहीं ली थी मैंने, ब्रेकफास्ट का, और थोड़ा दो तीन जगह रुकाए थे इन्होंने बस वालों ने, तो वहाँ का मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है, और थोड़ा व्यू का घाट का, और गोवा का जो रास्ता है बहुत डेंजर है, बस बिल्कुल ऐसा हो रहा था, और मैं ऊपर का सीट ली थी क्योंकि नीचे का नहीं मिला मुझे, मैंने बोली ना मैंने अर्जेंट में बुक किया 1 आवर पहले, तो ऊपर बैठी थी मैं, और सेफ्टी जो रहता है एक साइड में रहता है और एक साइड में ऐसा खुला रहता है, तो वो साइड में मैं बैठी थी, और सेफ्टी साइड में मैंने ज़ारा को बिठा के, ज़ारा कुछ खा रही थी तो बैठी थी, तो मैं भी बैठी थी,
तो जो जोर से गिरी मैं नीचे, तो सब लोग भाग के मुझे पकड़ के ऊपर उठाए, क्योंकि वहां पे इतना बड़ा गड्ढा है और बस पूरा एक साइड हो गया। ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि बस एक्सीडेंट हुआ या खड्डे, मतलब खाई में गिर गया, ऐसा लगा मुझे इतना। और जारा जैसा मैं गिरी, जारा रोने लगा, और बस वाले, बस में जितने लोग थे सब लोग को लगा कि जारा गिर गई, सब भागे। देखे तो देखे मैं गिर गई थी, और फिर कमर में थोड़ा लग गया मुझे, इसीलिए मैं रास्ते का भी ब्लॉग नहीं बना पाई। सोचा ली कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, और यही अच्छा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सलामती से और अच्छे से हम यहाँ पहुँच गए हैं, और मैं और जारा अकेली थी खास करके। और फिर चलिए आप सबको मैं यहाँ का रूम बताऊंगी। ये जो रूम है हमने लिया है गोवा में, बहुत ज़्यादा रूम ढूंढे हमने, अच्छा नहीं लगा था क्योंकि बारिश में किधर किधर कोई कोई रूम में नम की बहुत स्मेल आता है। तो ये वाला जो होटल है हम लोग को थोड़ा अच्छा लगा, ओके है, पर इतना भी अच्छा नहीं ओके है, पर बाकी सब होटलों से अच्छा है। और इसका जो रेंट है 1200 है, मतलब 1200 रुपया है, और एसी 24 आवर गर्म पानी, तो अच्छा है ये। कलंगिट आई थिंक, हाँ एसी कुछ नाम है, कलंगिट गोवा, बागा बीच से थोड़ी सी ये साइड है, एक एक किलोमीटर 2 किलोमीटर बागा बीच से थोड़ा डिस्टेंस में है। तो चलिए आप सबको दिखाऊंगी रूम, और आज के ब्लॉग को ज़रूर देखिए। और अभी हम रूम दिखा के फिर मैं कल इंशाल्लाह जाऊंगी और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूंगी गोवा सिटी, गोवा मार्केट्स आप सबके साथ। तो चलिए मिलते हैं। तो गाइस ये है हमारा रूम। यहाँ पे ज़ारा के लिए टीवी, क्योंकि हमको फिर हमारा फ़ोन नहीं लेगा यूज़ करने। यहाँ पे है कबाड़, और यहाँ पे है ड्रेसिंग टेबल, नहीं बोलेंगे इसको, छोटा सी मिरर है, नीचे टेबल है, और ये हमारा बेड, और वो ज़ारा का डॉल, और ये खुद ज़ारा, और यहाँ पे है वॉशरूम। और ये मेरा स्टैंड है कि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही थी, जो मैंने पिछले व्लॉग में बताई थी कि मैंने स्टैंड ली है मीरा रोड से। तो ये इसका लाइट है। और चलिए आप सबको दिखाऊंगी, ये है हमारा बालकनी। ये जो कुर्सी है बारिश की वजह से भीग गया था, इसलिए मैंने उस पर कपड़ा रखी हूँ, क्योंकि ज़ारा को बैठना होता है। और ये है हमारी बालकनी से रोड का व्यू, और जैसे कि आप सब यहाँ देख रहे हो बारिश हो रहा है, और बारिश में ज़्यादा घूमने अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भीगने का डर रहता है। तो ये है हमारा होटल बालाजी इन, और यहाँ पे ये जो बाइक्स खड़े हैं सब ये रेंट के लिए है, ये होटल वाले देते हैं। यहाँ से बाइक भी आप रेंट पे ले सकते हो और पूरा गोवा घूम सकते हो। क्लाइमेट बहुत अच्छा है। ये था हमारा रूम टूर गोवा का। सो गाइज अभी हम मतलब मैं बैठी हूँ बालकनी में, और थोड़ी बहुत रील्स बनाने का सोच रही थी, और फालतू में इतना अच्छा लग रहा है क्लाइमेट, और ख़ास करके हम जब होटल लेते हैं तो बालकनी जब अच्छा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पैक पैक रूम यहाँ पे मुझे बहुत दिखे, पैक पैक रूम तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब जैसे कि आप सबको अभी मैंने रूम दिखाया, तो 1200 के हिसाब से नॉट बैड, मतलब अच्छा है रूम। और नीचे होटल है, मतलब अभी हम लोग ऐसे खाना खाए, खाना भी बहुत अच्छा था। और मेन क्या है कि जो खास करके मैंने इसीलिए लिया, यहाँ पे जो होटल वाला है ना, ये वाला मुस्लिम है, और खाना और चिकन विकन सब हलाल है। और यहाँ पे मैं हमेशा हर जगह, सर गोवा में नहीं, मैं हर जगह जाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि चिकन रहेगा तो हलाल है नहीं, और हमको ये करना चाहिए। क्योंकि एक बार हम लोग हिमाचल प्रदेश गए थे ना, वहाँ पे पूछे थे ना हम लोग चिकन हलाल है, तो जो मतलब रेस्टोरेंट वाला है ना, एकदम कट्टर होता, एकदम भड़क के बोला यहाँ हलाल वाला नहीं मिलता है। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग नॉनवेज खाते नहीं थे, हम लोग सिर्फ वेज ही खाते थे। और आप लोग भी अगर आउट स्टेशन जाते, जैसा गोवा सब इधर उधर हुआ, तो
पूछना बहुत मतलब कंपलसरी होता है। और यहाँ पे जो बागा बीच है वहाँ पे आपको हैदराबादी मुस्लिम्स बहुत मिलेंगे, जिनके रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे आपको हैदराबादी बिरयानी, फिर पुलाव, चिकन पुलाव, मतलब हर एक चीज़ मिल जाएंगे आपको हलाल। और वो लोग सब लिख के रखे हैं कि हलाल। और जो होटल में मैं रुकी हूँ बालाजी इन, यहाँ पे भी जो है जो काउंटर पे था वो भाई मुस्लिम थे, तो उन्होंने बोला कि मतलब कोई भी यहाँ पे टेंशन नहीं है, सब आपको हलाल मिलेगा। और इसीलिए ये होटल बुक की, और मुझे खास इसलिए अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा बालकनी भी है, साथ में जा रहा है बच्ची है तो बारिश में ज़्यादा बाहर नहीं घुमा सकते हैं, इसीलिए थोड़ा क्या बालकनी में भी खड़े रहेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम मिलते हैं इंशाल्लाह आप सबसे कल, और आप सबको इंशाल्लाह दिखाऊंगी गोवा की सिटी और एक्सप्लोर करूंगी थोड़ी बहुत मार्केट। तो चलिए मिलते हैं कल इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। यहाँ पे मैंने चपाती, बुर्जी, ये सारा के लिए बटर ब्रेड और चाय। तो अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद रेडी होके निकलेंगे। तो गाइस अभी हम निकल जाएंगे और जाएंगे घूमने के लिए। यहाँ पे बाइक रेंट पे मिलता है। गोवा में एक चीज़ बहुत अच्छा है कि आपको बाइक है ना रेंट पे मिल जाता है, फ्लाइट से या बस से आके यहाँ पे बाइक रेंट पे लेके घूम सकते हो। सो यहाँ पे हमने लिए इधर से एक ये वाला बाइक लिए, एक ब्लैक नहीं तो वाइट लेंगे हम, और फिर हम लोग सब निकलेंगे घूमने के लिए। सो ये है हमारी बालकनी से व्यू, और ये सब जगह थोड़ा बारिश में थोड़ा बहुत तो लगता ही है, ऐसा मिट्टी है इसीलिए। सुरात का जो शूट किया था ये दिखाई थी आप सबको, ये है दिन में व्यू हमारे बालकनी से। सो यस गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और जारा का सर बांधना है बाल, जारा भी रेडी हो चुकी है, और फिर हम निकलेंगे जाएंगे मार्केट। और ये है मेरा आज का आउटफिट, जारा को यहाँ बिठाई हो उसके बाल बनना है, और ये है जारा का आउटफिट। सो चलिए हम मिलते हैं आप सबसे मार्केट में। चिकन मलाई टिक्का मंगाई किसके लिए? जारा के लिए। सो यस गाइस, हम निकले थे, गए थे थोड़ा बहुत शॉपिंग करना था और फिर लंच भी करना था, तो हमने लंच करके आए हैं वापस रूम में होटल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर बारिश हो रहा था, और बारिश कम होगा तो फिर हम जाएंगे मार्केट और एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे अंदर, हमको थोड़ी बहुत सामान चाहिए, शर्ट टी शर्ट चाहिए था जारा की बहन को, ऐसे शर्ट चाहिए था ब्लैक कलर का, देख रही हूँ 550 बोल रहे हैं और शॉर्ट वाला 450 का। सो चलिए देखते हैं। यहाँ से हमने लिए कॉटन की शर्ट से 270 में पर शर्ट तीन लिए। सो मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आया, तो अब हम जाएंगे आगे। हमने ऑर्डर की फिश थाली, जिसमें बांगड़ा फ्राई है, फिश फ्राई, और यहाँ पे फिश करी, और यहाँ पे एक है दाल है, और ये चने का भाजी है काबुली चना, और यहाँ पे राइस है और रोटी है।